मानिकपुर पुलिस ने 12 अक्टूबर को श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला से मुंबई पुलिस ने 20 अक्टूबर को संपर्क किया और उसका बयान दर्ज करवाने के लिए 23 अक्टूबर को वसई बुलाया। बस इसी फोन कॉल के बाद आफ्ताब एक्टिव हो गया और सिलसिलेवार तरीके से सबूतों को मिटाने में जुट गया। आफ्ताब को डर था कि अगर श्रद्धा का मोबाइल फोन पुलिस के हाथ लगा तो कई सारे राज खुल सकते हैं। पुलिस अब श्रद्धा का व्हाट्सएप अकाउंट दोबारा से एक्टिव कर रही है ताकि जितने पुराने चैट या वीडियो या फोटो डिलीट किए गए हैं उसे रिकवर किया जा सके। मानिकपुर पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि जब मिसिंग कंप्लेन में श्रद्धा के पिता ने आफ्ताब पर शक जताया था तो फिर इसके बावजूद मानिकपुर पुलिस ने आफ्ताब का मोबाइल स्कैन क्यों नहीं किया। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके मोबाइल का सिम कार्ड नष्ट कर दिया था, लेकिन वो वाईफाई से कनेक्ट करके श्रद्धा का मोबाइल चलाता था और उसके सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करता था।